तो आज ना बना रहे दही भल्ले। देखो पूरी अच्छे तरीके से मैंने सजा लिया है सारी चीज़ों को आपके लिए, पूरी अच्छे से भर भर के हर जगह अपनी चीज़ों को सजाया। और आप भी देख लो मैंने क्या क्या लिया है। फिर लिया गोलगप्पे, गोलगप्पे को फोर के प्लेट में लगा लिया। फिर लिया आलू, आलू को पूरा भर भर के डाल दो गोलगप्पे में। और मैंने आलू को ना बॉईल कर दिया था, तो आप भी इसी तरीके से बॉईल करके भर लेना। फिर हम लेंगे अपना प्याज और प्याज को बहुत अच्छे तरीके से भर लेंगे पूरे गोलगप्पे में। प्याज से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो पूरे गोलगप्पे में भर लेंगे। फिर लेंगे अपना मसाला, जैसे कि नमक और चाट मसाला। नमक टेस्ट के अनुसार से डाल लीजिएगा और चाट मसाला थोड़ा चटपटा टेस्ट देगा ना, तो चाट मसाला भी खूब अच्छे से भर भर के डाल लेना। ये जो मैंने गोलगप्पे की पूरियाँ ली है ना, ये मार्केट में बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से मार्केट से इसे ला सकते हैं। और घर पे मैंने बस इसे फ्राई कर लिया है। उसके बाद लेंगे लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से कलर बहुत सुंदर आता है और जीरा पाउडर तो मैंने घर पे ही बना लिया, जीरे को फ्राई करके ग्राइंडर में पीस कर। तो आप भी इसी तरीके से बना लेना और अच्छे से लगा देना पूरा सजा सजा के, जितना हो सके सजा लो इसे, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाना है। उसके बाद लेंगे हम इसमें दही और दही भल्ले, मतलब भर भर के दही। तो अच्छी तरीके से आप पूरे तरीके से फैला लेना अपने गोलगप्पे के पूरी में दही भर भर के एकदम। देखो मैंने कैसे पूरी तरीके से भर दिया है, एकदम दही से नहा दिया। तो उसी तरीके से हर गोलगप्पे में दही भर भर के डाल दीजिएगा, बिल्कुल सुंदर सा दिखेगा ना दही डालने के बाद। इसलिए उसके बाद लेंगे अपनी खट्टी चटनी। तो ये ना मम्मी ने बनाया था, तो आज देखो, आज आप लोग देखो मैंने इसे कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया है। तो पूरे गोलगप्पे पे डाल दो अच्छी तरीके से मीठी चटनी, क्योंकि मीठी चटनी से ना बहुत अच्छा खट्टा खट्टा फ्लेवर आएगा और मीठा भी फ्लेवर आएगा। तो वो उसके बाद हमारी हरी चटनी, क्योंकि धनिया पत्ता तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है हर रेसिपी का, और मुझे धनिया पत्ता बहुत पसंद है। तो भर भर के धनिया पत्ता और मिर्च की चटनी है ये, तो उसे मैंने अच्छी तरीके से डाल दिया। उसके बाद भुजिया, क्योंकि दही भल्ला बिना भुजिया के बिल्कुल अधूरा है, तो बहुत अच्छे से भुजिया लगाएंगे, एकदम भर भर के भुजिया लगा देंगे। तो आप भी इसी तरीके से अपने हिसाब से भुजिया लगा कर डेकोरेट कर लीजिएगा। फिर लेंगे खीरा। खीरा ना मैंने बस ऐसे ही सजाने के लिए लिया है, ताकि इससे ज़्यादा सुंदर दिखे और खाने में भी थोड़ा टेस्टी लगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ बस अच्छे से तैयार किया। फिर लिया टमाटर, टमाटर से तो बिल्कुल सुंदर हो जाएगा, रेड रेड कलर आएगा, तो टमाटर लगा देना, सुंदर लगेगा आपको भी। तो इसलिए, क्योंकि खाने ना खाने में सुंदर होना चाहिए। तो उसके बाद लगा देंगे, उसके बाद लेंगे दही, क्योंकि दही भल्ले में और भर भर के दही डालना है, तो थोड़े से ऊपर से भी दही लगा देते हैं। तो पूरे दही भल्ले में भर भर के ऊपर से डाल देंगे दही। तो कितने अच्छे से मैंने पूरे ऊपर से नहा दिया दही से, बारिश किया दही की मैंने। फिर धनिया पत्ता, मैंने क्या बोला, धनिया पत्ता हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ता बहुत सुंदर कलर देता है रेसिपी में, तो धनिया पत्ता लगा दिया पूरे अच्छे तरीके से, कितना सुंदर दिख रहा है ना। उसके बाद वापस से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, सबको ऊपर अच्छे तरीके से फैला दिया, ताकि थोड़ा सा रेड वाइट ब्लैक सारा कलर आ जाए। कि देखो हाँ, दही भल्ले बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके बाय।